ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और अब तक इस रण में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाला और बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राजस्थान के रण में जमकर चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पिछले दिनों जयपुर के शाहपुरा, दौसा, टोंक और राजसमंद में मोर्चा संभाला और रोड शो से लेकर जनसभा में अपना दमखम दिखाया। साथ ही महिलाओं पर अत्याचार को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। और ये चार तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शाहपुरा की तस्वीर देखिए, दौसा की तस्वीर, टोंक की तीसरी तस्वीर है, राजसमंद की भी तीसरी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें स्मृति ईरानी का देखिए दौरा देखने को मिला है। राजस्थान के रण में स्मृति ईरानी की खम्मागणी और लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए यहाँ पर स्मृति ईरानी नजर आई। चार तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर शाहपुरा की, जयपुर की, जिसमें स्मृति ईरानी जनसभा को संबोधित करते हुए देखिए, बांदीकुई की ये तस्वीर जिसमें देखिए रोड शो करती हुई। तीसरी तस्वीर है टोंक की है, जहां पर जनसभा करने के लिए पहुंची। राजसमंद चारभुजा की भी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, तो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार देखने को मिला। प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते हुए स्मृति ईरानी देखी, साथ ही साथ कांग्रेस पर जम करके प्रहार भी किया। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है आपके। शाहपुरा की तस्वीर पहले दिखा रहे हैं, जिसमें आप स्मृति ईरानी को देख पा रहे हैं, जो कि जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आई। दूसरी तस्वीर बांदीकुई की, जहां पर देखिए रोड शो करती हुई दिखी। और टोंक की यह तस्वीर तीसरी, जिसमें स्मृति ईरानी वहां पहुंची थी, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। तो चुनाव प्रचार में देखिए पूरी ताकत स्मृति ईरानी ने झोंकी और लगातार दौरा करती हुई दिखी। और अगर हम पिछले दिनों की बात कर ले तो जयपुर के शाहपुरा, दौसा, टोंक और राजसमंद में मोर्चा संभाला और रोड शो से लेकर जनसभा में अपना दमखम स्मृति ईरानी ने दिखाया। साथ ही महिलाओं पर अत्याचार को लेकर के कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। कितनी बार पेपर लीक हुआ राजस्थान में? कितनी बार? कितनी बार? और लीक करने वालों को जादूगर ने क्या दिया भैया? अरे जिसने लीक किया पेपर, उसके दफ्तर से 1.5 किलो सोना मिला, 2 करोड़ रुपया मिला। सुरेंद्र जी, सोना ऐसे ठूसा है कांग्रेस ने जैसे कोई आलू प्याज ठूसता हो। प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को अंधकारमय किया और अपने घर को सोने से भरा। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि अगर नौजवान बेटा या बेटी हो घर में, उसको बतलाओ 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, सुरेंद्र जी को जिताओ, भाजपा की सरकार बनाओ और भाजपा की सरकार के माध्यम से प्रदेश में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां पारदर्शिता से पाओ। अरे जिनके मात्र दर्शन से विरोध हो रहा है उनका 25 तारीख को क्या हाल होगा? इसीलिए तो तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं डराने धमकाने के लिए। अरे हम तो तब नहीं डरे, हम तो तब नहीं डरे जब कांग्रेसियों के आदेश पर राम भक्तों की छाती पर बंदूक ताली गई थी, हम तो तब नहीं डरे। मैं गहरी साधारण परिवार से जन्मी थी तो माता पिता के पास 150 रुपया था, मैं वहां से आई। तो जब कांग्रेस का सरदार मुझसे लड़ने आया तो अकेले नहीं आया, बसपा सपा तीन तीन पार्टी लेकर आया। अरे तीन, एक तरफ भाजपा के साधारण कार्यकर्ता एक तरफ, और आपके जादूगर ने भी शहजादे का साथ निभाया। तो राजस्थान